नमस्कार, मैं हूँ विक्रम। आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे किसान के खेत में जिसने सारी उन चीज़ों को बदल के रख दिया है। जिस तरीके से हम बात करेंगे, आज अगर लोग फसल की बात करते हैं तो जो मौसम होता है उसमें बाजरा, मूंग, मोठ, गंवार, इसकी खेती कर लेते हैं, गेहूं, सरसों, चना बोल लेते हैं। लेकिन जिस खेत में मैं खड़ा हूँ और सहयोगी से कहूँगी चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं, तो आपको देख के अलग से पहले से ही महसूस हो गया होगा कि यहाँ किसी सब्जी वगैरह की खेती हो रही है और उस को एक अलग ढंग से किए जाना, ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं मौजूद हूँ सूरजगढ़ के नज़दीक गांव रामनाथपुरा में और किसान हैं महेश जी, उनके खेत में हम खड़े हैं जिन्होंने ये जो फसल है वो टिंडे की है। और महेश जी का लड़का है जो हमारे साथ वेल एजुकेटेड है। उम्र कितनी का तेरी? सर मेरी 22 सर। अच्छा, 22 साल की उम्र है। तो ये खेती में ही लाग रहा हो या कुछ और भी करो? यही खेती कर रहे हैं। सौ पहले जोड़ तो बात कर लिया, अब की ताज़ा में ये अब भी क्या क्या ये उपज कर रहे हैं? अब सिर्फ चप्पल कद्दू है और टमाटर और सब्जी उत्पादन की तैयारी चल रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है। तो यो आइडियो कठों मिलो जाए तारो बात करा गया, शुरुआत कह करी था ना आइडियो कठों आएगी भाई आप सब्जी की इकी खेती कर लिया ई टाइप की कुछ कर या मुजान दियो प्रोत्साहन की बोले या सब्जी की करो खेती जो दो रुपया फायदा है और बोले ये तारी पुरानी खेती है छोड़ो तो किम सहायता हम करेंगे और ये आप करो तो उसने ये ड्रिप में सहयोग दिया। को कहना ये होगी व्यावसायिक फसल की अगर खेती हो, व्यावसायिक फसल की अगर खेती होगी तो किसान को भी फायदा है और एक दूसरी बात की जैविक खेती का फायदा ये है कि आज के खान पान की वजह से जिस तरीके से बीमारियां आदमी को जकड़ रही हैं उन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। किसान इस तरफ अब व्यावसायिक खेती की तरफ और जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। और अंबुजा कंपनी है के सहयोग कराई ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करके? हाँ, व्यवस्था करके देते हैं, ड्रिप की, मल्च की, बीज की और कोई रोग भी आ जाए तो उसके उपचार की भी दवाई देते हैं। ये जो सब ये अब लगाई हुई है ये ऊपर से ये थैली जैसा इसको ढक रखा है टिल्ला बना के, तो थैली क्यों लगानी? या घास ज्यादा ना हो घास तो थैली की वजह घास घूस आवक हो अगर उग गया तो वो बाहर को नहीं बाहर को नहीं कोई मोरा माँ वो पाड़े जा और एक पानी की आगे माँ की व्यवस्था ड्रिप सिस्टम ड्रिप सिस्टम है दिख रहे पाइप खाद वगैरह की बात करा तो खाद या जीव अमृत जीवामृत जीवामृत बोले वो क्या क्या बनाए? वो गोमूत्र, गोबर गाय का और पीपल के जहाँ से जड़ होती है वहाँ की मिट्टी जहाँ खाद खोदना हो और दो तीन प्रकार के दालें जो भी होती हैं दतुरे की जड़ दाल भी डालनी पड़ती है उसमें डालनी पड़ती है जो कि वो जल्दी उफान आए जल्दी प्रोसेस हो उसकी। अच्छा। उसी के कारण और उसमें जैसे दतुरा हो गया नीम के पत्ते हो गए दतुरे की जड़ हो गई नीम की छाल हो गई ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि बीमारियों को रोकते हैं। जैविक खेती की बात वही है खाद चलो सभी जो खेती करते हैं अपने घर में जो पशु रखते हैं उनकी खाद तो डालते ही डालते हैं लेकिन इतनी चीज़ें जैसे बता रहे हैं गोमूत्र है गोबर है कई तरीके की दाल उसमें डाली जाती है कई पत्ते डाले जाते हैं नीम के पत्ते डाले जाते हैं धतूरा डाला जाता है गुड़ डाला जाता है ऐसी इन सब चीज़ों को मिला के और उसको सड़ा के और उसका जो पानी बचता है वो लिक्विड हाँ वो लिक्विड ड्रिप के माध्यम से नीचे जुड़ोगे ड्रिप के माध्यम से इनमें लगता है तो जो लिक्विड तैयार होता है उस लिक्विड को फिर ये जो ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है पाइपों से उसके माध्यम से वो इन पौधों में सप्लाई होती है और उसके साथ ही पानी पानी में वो मिला के या फिर अकेला सर साथ ही चला जाता दोनों पानी के साथ ही अलग से टैंक बना हुआ होगा आपके यहाँ पे काम सर मैं सेंचुरी वहाँ पर कुएं के पास वो दूर दिखाई दे रहा है आपको वो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वो जीवामृत तैयार किया जाता है जड़ों में चलाया जाता है और ये ओनली जड़ों के लिए है और अलग जो हाथ खुद गिरते हैं उसके लिए अलग जीवामृत बना रखा है जो कि आपके सामने आया ये छाया में रखना पड़ता है ये सर छाव में इसलिए रखना पड़ता है जो जिसके अंदर जीवाणु है वो गर्मी के कारण हीट के कारण खराब ना हो इसीलिए सही है और जो खाद खुद जैविक खाद गोबर की खाद जो डालते हैं हाँ। उनके ऊपर छिड़कने के लिए है जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो खत्म हो जाए हाँ। इसीलिए ये जीवामृत बना रखा है इसमें क्या है ये खाली ये बना हुई अच्छा अच्छा
और ये जो सेटअप बनाओ में कितना खर्चा आ जाए सर? ये अंबुजा फाउंडेशन द्वारा ड्रिप के साथ ही दिया जाता है। इसका जो बिलिंग है उसके अंदर सब्सिडी काट के सिर्फ 16,999 रुपए पड़ता है सर, मतलब लगभग 17,000 रुपए का सर। सही, और यहाँ से सप्लाई हो जाता है इससे? नहीं, ये सर ये सोलर पंप का पाइप है जिससे कि उसको जो है और उधर से फिर ये उधर का दादी। अच्छा, इसके अंदर फिर यहाँ से इसके अंदर मतलब ये मोटर चलाया जी ने तो उसमें ये ऑटोमेटिक चला रहा है कि खाद खाएगी। हाँ हाँ, खाद है या खाद चली जाएगी और ये अपने पूरी सही सब्जी में चली जाएगी जितनी बार चलाओ। हाँ सर, कोई भी फसल हो उसमें आप जीवामृत काम ले सकते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा काम की चीज़ है जिसे ना तो और खातों की जरूरत होती है, इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, बीमारी बहुत कम आती है इससे। ये सर इससे बहुत बहुत ज़्यादा ये हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता है और ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बहुत ज़्यादा ये बढ़ाती है, इसीलिए जीवामृत का उपयोग करते हैं। और जो खाद खुद जिसका रासायनिक होती है उसका उपयोग यूँ नहीं करते सर, उसका कॉस्ट भी बहुत महंगा होता है और जमींदार इतना कॉस्ट उठा नहीं सकता, इसी कारण जीवामृत का उपयोग करते हैं जिससे लोगों की हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से हमेशा घर के जो मेंबर हैं और भी साथ में लोग हैं हर टाइम इन सब्जियों के पौधों की रखवाली करते रहते हैं। जैसे ही कोई घास वास उगता है उसको भी हटा देते हैं। कोई आदमी अपने खेत में ये जैविक खेती करना चाहे या कहीं भी लगाना चाहे तो वो किससे संपर्क करे या वो ये पूरा सेटअप किस तरीके से उनको उपलब्ध हो सकता है? सर इसके लिए यहाँ विजिट करना चाहें तो हमारे पिताजी से संपर्क कर सकते हैं, वरना मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं मेरे महेश कृषि फार्म हाउस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, उस पर संपर्क कर सकते हैं। उससे हम यहाँ विजिट करेंगे तो फ्री हर चीज़ जितना नॉलेज है उसके बारे में बताएंगे, जिसको जितना पापा को पता पापा बताते हैं। सही है, जो कोई भी अगर आपके पास आए तो आप पूरी जानकारी ताकि ये जो व्यवसायी खेती और जैविक खेती को बढ़ावा हम देते भी हैं। कुछ आते हैं छोटे किसान उसको बताते हैं ऐसे तरीका, उसको मदद भी करते हैं ट्रैक्टर के थ्रू भी करते हैं और कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसको देते भी हैं। जितना संभव हो आप कोशिश करते हैं। और ये सबसे खास बात तो ये होती होगी जो जीवामृत बनाया जाता है तो उसमें तो जो बराबर मात्रा में जितनी जरूरत है उतनी चीज़ें पड़े तभी वो कुछ कायदे का रहता है। अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो गई तो फिर तो नुकसान करेगा। ना सही आराम व्यापार जाता है, इतनी चीज इतनी डालनी है इतनी डाल के फिर सही होता है। एक बार करने के बाद में आदमी को अंदाजा लग जाता है कि इतनी चीज इतनी चीज तैयार हो जाती है। आपको कितने साल हो गए ये करते हुए? ये करता पैसा बंद कराया ने उस साल 19 साल ही नोटबंदी हुई। हाँ, उस साल से स्टार्ट करे। हाँ, जैविक खेती की तरफ हमारे जिले के लोग हमारे प्रदेश के लोग अगर लौटते हैं और हमारे आसपास के ये जो सूरजगढ़ के नज़दीक रामनाथपुरा गांव है, डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको यहाँ फार्म हाउस के नंबर मिल जाएंगे, आप यहाँ ज़रूर विजिट भी कीजिए। और इसके अलावा आप कोशिश ये कीजिए कि आप खुद भी अपने खेतों में ऐसा कुछ करें, ये पूरे तरीके से आपकी मदद भी करवाएंगे। और अगर यहाँ की सब्जी का स्वाद किसी को चखना है तो वो यहाँ जरूर पधारे, नंबर पे संपर्क करके और यहाँ पहुँच सकते हैं आसानी से। जो सूरजगढ़ से मात्र कितने किलोमीटर की? मात्र 5 किलोमीटर की सूरजगढ़ जो